Hello everyone, so welcome back to my channel. And yes, we have landed in Bhopal. We are now heading towards our hotel. तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम भोपाल में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम राजकुमार संतोषी सर की फिल्म में एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर हियर। आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे इन्हें। ही इज़ अ वेल नोन डायरेक्टर एंड ही हैज़ मेनी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इन हिज लिस्ट दैट इंक्लूड्स घायल, घातक, दामिनी, अंदाज अपना अपना, अजब प्रेम की गजब कहानी एंड मेनी मोर। दैट्स वाई वी आर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो नाउ वी हैव रीच्ड द होटल एंड अभी डिनर कर रहे हैं हम। कॉल टाइम जानना है तुझको। इट्स 3:30 AM इन द मॉर्निंग और नींद ही नहीं आ रही है। हम 12 बजे सोने गए थे बट जब आँख खुली तो 2 ही बज रहे थे और वो तो अच्छे से सो रही है बट आई डोंट नो व्हाई मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बिकॉज मे बी रूटीन चेंज है इस वजह से। कॉल टाइम हमारा है 6 बजे और अब जब तक नींद नहीं आ रही है तो मैंने डिसाइड किया है कि वर्कआउट ही कर लेते हैं। नाउ इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग और हम नहा कर फ्रेश हो चुके हैं और ये हमारा बाहर का व्यू है। 6 बजे ही इतना उजाला हो जाता है यहाँ पे। और अभी हम शूट पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा 6:30 का कॉल टाइम है फॉर हेयर एंड मेकअप। ये बहुत ही प्यारा पोस्टर है बट आई डोंट नो ये कौन सी जगह है। और ये प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति रखी है विच गिव्स अ गुड वाइब। तो अभी मैं आपको मूवी के बारे में बताती हूँ। तो ये एक हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन गांधी जी, उनकी स्टोरी पर है। तो मैं आभा गांधी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और सौंदर्य मनु गांधी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो अभी हम अपने कैरेक्टर के हिसाब से हेयर और मेकअप करेंगे अपना। ये न्यूड मेकअप है बट हेयर स्टाइल एंड ड्रेस सब उस ज़माने का होगा, 1940s 30s। हम अपना लुक रिवील नहीं कर सकते हैं अभी, इस वजह से मैं फाइनल लुक तो नहीं दिखाऊंगी। तो अभी हमारा हेयर और मेकअप हो चुका है और हम अभी अपने सेट लोकेशन पर जा रहे हैं। तो मैं अगर आपको भोपाल के बारे में बताऊं तो ये बहुत ही प्यारी सिटी है। जिस दिन हम लैंड किए थे उसी दिन से हम जब अपने होटल के तरफ जा रहे थे तो इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई भी है और हरियाली भी है। आपको हर जगह पेड़ तो दिखाई देंगे अच्छे से और गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। लिया ही नहीं आपको मैंने वीडियो में। आप ही लिया। यहाँ सब अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से रेडी हो चुके हैं। सो दिस इज आर वैनिटी, बाहर आभा एंड मनु लिखा हुआ था। एंड अब हम चलते हैं अंदर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में पोहा, ब्रेड बटर ये सब दिया गया था। पर कुछ भी कहो, पोहा तो अपने मुंबई का ही अच्छा लगता है। और आधा शूट तो कर लिया हमने और शाम को 5 बजे ही इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि हमारा जल्दी से पैकअप हो गया था बिकॉज इट वॉज आउटडोर शूट।
दो दिन से होटल का खा के इतना मतलब मन ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना सिंपल सा खाना ऑर्डर किया जाए। तो हमने दाल खिचड़ी ऑर्डर की थी और हमें साथ में ये गरम गरम गुलाब जामुन दिया गया था। सो बाय दिस हमारा दो दिन का फिल्म शेड्यूल यहाँ समाप्त होता है और आज हमारी फ्लाइट है। तो उससे पहले हम सोचे कि क्यों ना भोपाल घूम लिया जाए थोड़ा सा। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं एंड देन फिर चलेंगे। सो हाय, गुड मॉर्निंग, एंड आज हमारा लास्ट डे है भोपाल में और कोइंसिडेंटली मेरी एक्सक्लूसिव फ्रेंड यहाँ पर ही रहती है। तो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ इंस्टाग्राम पर एंड फाइनली आज हम उससे मिलने वाली है बहुत सालों बाद, मतलब 6-7 साल बाद हम मिल रहे हैं। कभी कॉन्टैक्ट भी नहीं था बट इंस्टाग्राम के थ्रू अब कॉन्टैक्ट हो गया है एंड वो हमें भोपाल घुमाने वाली है। पूरा तो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो घुमाएगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस में है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। तो अभी हम जाने वाले हैं इंडियन टी हाउस और उसी के सामने एक लेक है तो वहाँ जाते हैं। सो शी इज फाइनली हियर, she is Swarnali। हम पहले तो स्कूटी से ही जाने वाले थे बट ट्रिप्सी आई डोंट नो अलाउड होता है या नहीं होता और आगे पुलिस पकड़ लेता, तो इससे बेटर हमने सोचा कि क्यों ना ऑटो ही कर लेते हैं। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ लूडो फिल्म की शूटिंग हुई थी। उस फिल्म की शूटिंग बहुत सी जगह पे हुई है भोपाल में और यही ठीक सामने हम जा रहे हैं इंडियन टी हाउस जो कि बहुत ही फेमस जगह है और वहाँ की चाय बहुत फेमस है। तो हम आ गए हैं इंडियन टी हाउस और यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि ये सबसे अच्छा कैफ़े है। इसके पास बहुत पैसे हैं और यहाँ पे चाय के बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो सबसे फेमस यहाँ पे है ज़ाफ़रानी चाय जो कि सौंदर्य और स्वर्णाली ट्राई करेंगे। मैं तो अपना नॉर्मल जिंजर टी पीने वाली हूँ। ज़ाफ़रानी चाय में आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, तो मैंने ट्राई किया था बट मुझे ठीक ठाक ही लगा। बट मैंने बहुत दिन से जिंजर टी नहीं पी थी अच्छी वाली, सो मैंने जिंजर टी ऑर्डर की थी। दिस इज़ अ रूफ टॉप कैफ़े और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यू दिखती है सामने से और इतनी अच्छी हवा है यहाँ कि क्या बताऊँ मैं आपको। और अब यहाँ आए हैं तो फ़ोटो सेशन तो बनता ही है। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, चिकन नगेट्स, पास्ता और ये सब जो भी चीज़ें हैं, पर हमने कुछ खाया ही नहीं, हमने सिर्फ चाय पिया और पूरा वैसे ही पार्सल ले लिया। बट बेचारे एक गरीब आदमी थे तो उन्होंने हमें दूर से देखा कि हम आए हैं तो हमसे कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, तो हमने हमारे पास जो भी पार्सल था हमें सब दे दिया उनको। रुको रुको, क्या लेना है? एक्ट्रेसेस की फोटो, एक्ट्रेसेस स्पॉटेड इन भोपाल। चलो चलो चलो। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो यही ITH के ठीक सामने एक राजा भोज लेक है जो कि आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा। पहले हम अपने शूट लोकेशन पे यहीं से जा रहे थे तो यही घूमने आए हैं। वो घाट है, घाट एरिया है, चलते हैं यार चलना है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम घाट एरिया पे जाएंगे तो जो कि वॉकिंग डिस्टेंस कुछ 15 मिनट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं बीच के साइड जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं चलकर। वैसे तो मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मतलब मैं तो देख भी नहीं सकती और उसी पे चलना है तो चल लेते हैं, बट ये ब्रिज भी हिल रहा था। वैसे तो आज हमारी फ़्लाइट होने वाली थी मुंबई के लिए बट हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था कि फ़्लाइट कब की है, बिकॉज़ मे बी दोपहर की होती या तो शाम की होती ऐसा उन्होंने कहा था, तो कोई अपडेट नहीं मिला था इसलिए हम घूम रहे थे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ हर जगह पेड़ दिखेंगे तो यहाँ पर भी हमको हरियाली दिखाई दे रही है।
ये मैडम जा रही हैं घाट पे, पूरा स्कार्फ वगैरह बांध के, सनग्लासेस लगा के, कहीं गलती से भी मैडम की स्किन जो है वो टैन ना हो जाए, वरना फिर डी टैन पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। पर टैन हो चुकी है, टैन हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि शूट के टाइम पे इन्होंने धूप में बैठ कर, मतलब धूप में शूट कर कर कुछ ज़्यादा ही विटामिन डी ले लिया है। इनकी बॉडी में विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है। गॉगल्स देखने हैं नहीं हमारे वो। दो दिन धूप में शूट करने के बाद फाइनली हमें नारियल पानी दिखाई दिया है, तो अब हम नारियल पानी पियेंगे। थोड़ी देर पहले ये मैडम कह रही थी कि हमारे मुंबई में अच्छे गॉगल्स मिलते हैं, और खुद ही एक खरीद रही है। बताओ, हम अभी तक घाट एरिया पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन उससे पहले कॉल आ गया कि आपकी फ़्लाइट है 1 घंटे में, तो जिसके लिए हम 15 मिनट चल कर आए थे, हम वहाँ तक जा ही नहीं पाए। पर कोई नहीं, तो अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमें मिडिल सीट मिली हुई है। तो कोविड की वजह से एयरप्लेन में जो भी मिडिल सीट में बैठता है उन्हें ये किट दिया जाता है, पूरा पहन कर बैठना होता है। ये इतना सफोकेटिंग है कि मैं क्या बताऊँ। आई डोंट नो वो जो डॉक्टर्स जो पीपीई किट पहन कर काम करते हैं वो कैसे कर पाते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई गॉट अ गुड फ्रेंड इन द फ्लाइट, मुझे बार बार देखे जा रही थी बेचारी। She was so cute. So finally we landed in Mumbai. So that's it. I hope you enjoyed this video and thank you for watching this video till the last. So please hit the like button and please do subscribe.